जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से पुनः आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा 10 जून 2023 का दिन कैसा रहेगा, मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों का बात करेंगे दैनिक राशिफल की और बात करेंगे 10 जून 2023 के दैनिक पंचांग की। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहा है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो बात करते हैं सर्वप्रथम 10 जून 2023 के पंचांग की। तो 10 जून 2023 को जो है शनिवार का दिन होगा और सूर्य भगवान से ज्येष्ठ मास होगा, चंद्रमा से जो है अषाढ़ का महीना चल रहा है। तिथि की बात करें तो सप्तमी तिथि रहेगी 2:01 तक दोपहर तक, उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र सद्भिजा नक्षत्र होगा 3:39 सायंकालीन तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र होगा। कृष्ण पक्ष चल रहा है और चंद्रमा से अषाढ़ मास चल रहा है और सूर्य भगवान से ज्येष्ठ मास चल रहा है। बात करें सूर्य उदय की तो सूर्य उदय होंगे प्रातःकालीन 5:07 पर और सूर्य अस्त की बात करें तो सूर्य अस्त होंगे सायंकालीन 6:48 पर। तो यह सूर्य भगवान का उदय का समय होगा और 5:07 अस्त का समय होगा 6:48। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में हम जो है कोई शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त होगा 10 जून 2023 शनिवार के दिन। अभिजीत मुहूर्त जो होगा वह होगा 11:30 प्रातःकालीन से लेकर के और 12:25 दोपहर तक रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य जो है हम प्रारंभ कर सकते हैं या जिस कार्य से हमें अधिक समय तक जो है लाभान्वित होना है तो उस कार्य को इस अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। बात करें अमृत काल मुहूर्त की तो 8:54 प्रातः काल से लेकर के 10:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो है 2:14 साय दिन से लेकर के दोपहर से लेकर के और 3:09 तक रहेगा। गौधूली मुहूर्त 6:34 से लेकर के 6:58 तक सायकालीन होगा। तो यह जो है शुभ मुहूर्त है, इन शुभ मुहूर्तों में जो है कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ मुहूर्त की, तो जिन अशुभ मुहूर्तों का आपको ध्यान रखना है और कोई भी शुभ कार्य जो है इन मुहूर्तों में आपको नहीं करना है। तो सर्वप्रथम दुष्ट मुहूर्त की बात करेंगे तो यह होगा 5:06 से लेकर के सुबह और 6:01 तक रहेगा। फिर यही 6:01 से लेकर के और 6:56 सायकालीन तक रहने वाला है। तो अब बात करेंगे यम घंटा काल की, तो यम घंटा काल जो है वह 3:08 से लेकर के और 4:03 तक सायंकालीन तक रहेगा। अब बात करेंगे राहु काल की, तो राहु काल जो है वह उस राहु काल में जो है कोई भी शुभ कार्य हमें आरंभ नहीं करना चाहिए। तो राहु काल होगा 10 जून 2023 को 8:32 सुबह से लेकर के और 10:14 सुबह तक रहेगा। तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य जो है हमें नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यह हुई पंचांग की बात। अब बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 का दिन। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं आपके जो है 10 जून 2023 का दिन आपके लिए नए कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और जिससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आप फिजूल के खर्चे को कम करने का भी प्रयास करेंगे, जो आपके फिजूल के खर्चे हैं उन्हें कम करने का आप प्रयास करेंगे तो आपके भविष्य के लिए जो पैसा है वह इकट्ठा आसानी से हो पाएगा। आर्थिक पक्ष जो है पहले से अधिक मजबूत रहेगा और वकीलों के लिए आज का दिन, जो मेष राशि के जातक वकील हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन आज का रहने वाला है।
आपके पुराने केस जो हैं उनमें कुछ जीत आपको हासिल होते हुए दिख रही है, साथ ही नया केस भी आपको मिल सकता है। आप जीवन साथी के अपने जीवन साथी से जो है अपनी टेंशन, जो आपको टेंशन है, जो दिक्कत है, वो अपने जीवन साथी के साथ आज शेयर करेंगे और भावनात्मक रूप से थोड़े हल्के भी हो जाएंगे। घर की सजावट पर भी आज आप ध्यान दे सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि की। द्वितीय राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आर्थिक स्थिति आज आपके लिए सामान्य बनी रहेगी। बिजनेस करने वालों के लिए दिन जो है वह सामान्य रहेगा। आप अपने जो है आप वृषभ राशि के जातक जो है आप सामने आई हुई चुनौतियों को आसानी से आज निपटा लेंगे। आपके सुगम व्यवहार से जो है अच्छे व्यवहार से आज लोग खुश रहेंगे। आप किसी दोस्त की भी आज मदद कर सकते हैं और आपको अपनी पिछली किसी बड़ी गलती का भी एहसास आज होता हुआ दिख रहा है, उस गलती का आपको एहसास होगा और साथ ही इससे सबक लेकर आप जो है इन गलतियों को करने से अब बचेंगे। किसी अजनबी पर भरोसा करने से आपको आज के दिन बचना है। और जो छात्र हैं वृषभ राशि के जातक, तो छात्रों को अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जितने भी वृषभ राशि के छात्र हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता आपको प्राप्त होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 10 जून 2023 यानी कि शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातक, आपका दिन पहले की अपेक्षा आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है और इस राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए आज का जो दिन है बहुत ही अनुकूल रहेगा। आप जो भी चाहोगे वह सारे काम जो है आपके मन के मुताबिक आज पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जो नौकरी पेशा करने वाले जातक हैं, तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने अपने से बड़ों की आपको राय लेनी जरूरी है, अपने से बड़ों की सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूले। अविवाहित जितने भी हैं मिथुन राशि के जातक, तो अविवाहितों के लिए आज कोई शादी का ऑफर भी आ सकता है। और मिथुन राशि के जातक जो हैं आज अपने बच्चों के साथ, अगर जिनका विवाह हो चुका है तो अपने बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पर भी जा सकते हैं। आप रिश्तेदारों से दूरी बना करके आज रखें, उनकी गलत नसीहत आपको अपनी आपके तरक्की के मार्ग को विचलित कर सकती है। जो आपके रिश्तेदार हैं आज उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना होगा, नहीं तो आपके रिश्तेदार जो हैं गलत नसीहत यानी कि गलत मार्ग आपको बता सकते हैं, जिससे आप अपने तरक्की के मार्ग से भटक जाएंगे। इस राशि के जो छात्र हैं, मिथुन राशि के जो छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए 10 जून 2023 का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आपका दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी बड़ी योजना को आज शुरू कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको आगे चल करके जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। और आप जो है नए वस्त्रों पर भी आज जो है धन व्यय कर सकते हैं, आज नए वस्त्रों पर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। किसी अजनबी की वजह से जो है आज आपका मूड खराब हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा सा तनावग्रस्त भी अपने आप को महसूस कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं और कारोबार में जो है आपको उम्मीद से मुताबिक थोड़ा ही लाभ की प्राप्ति हो रही है। और कारोबार में जो है जितना आप लाभ की प्राप्ति सोच रहे थे उससे थोड़ा कम ही आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप जो है नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, दिन फायदेमंद आज आपके लिए रहने वाला है और आज के दिन जो है आपके रुके हुए कामों में आपके जो मित्र हैं वह आपकी मदद करते हुए दिखेंगे। आपके दुश्मन आज आपसे दूरियां बनाए रखेंगे, आज के आपके जो दुश्मन हैं आज थोड़ा सा आपसे दूर ही रहेंगे। और आपको किसी अपनों से कोई खुशखबरी भी आज मिल सकती है, कोई अपना जो है आपको कोई अच्छी खुशखबरी दे सकता है। पैसे के मामले में आप उधार देने से भी और लेने से भी आज आपको बचना है, ना किसी को उधार देना है ना ही किसी से लेना है। सिंह राशि के जातकों को, जितने भी छात्र हैं, सिंह राशि वाले छात्र हैं, तो छात्र जो हैं किसी से बहस आज आपको नहीं करनी है। पढ़ाई के प्रति जो है अपना रुझान आपको
बनाए रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आपके पास जो है कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज आ सकती हैं। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आपकी तीव्र बुद्धि के कारण आपको जो है पुरस्कार मिलने के योग भी नजर आते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए 10 जून 2023 का दिन यानी शनिवार का दिन कैसा रहेगा? तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, दिन आपके लिए बेहद ही खुशनुमा रहने वाला है और आज अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। आपको जो है किसी मामले में बड़ा निर्णय भी आज लेना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा जो है आज सुधार आता हुआ दिख रहा है। प्यार के मामले में थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो सकती है, इसलिए अपने साथी के साथ समय आपको आज बिताना है। जो चीजें आपके लिए रुकावट बन रही हैं, उन्हें आपको नजरअंदाज कर देना है, नजरअंदाज बिल्कुल आपको कर देना है। आप अपनी सेहत के प्रति सावधान आपको रहना है, साथ ही साथ खान पान का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, खान पान की ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 यानी शनिवार का दिन। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, दिन आज का आपके लिए बेहतरीन रहेगा और तुला राशि के जितने भी जातक हैं, लोगों के सामने आपकी इमेज जो है आज अच्छी बनी रहेगी। आप जो है किसी ऐसे काम में रिस्क नहीं लेंगे जिसका नेगेटिव असर आपकी इमेज पर पड़ सकता है, ऐसा काम जो है उसमें कोई रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही पैसों की स्थिति को लेकर जो है मानसिक उथल पुथल जो है होने के योग भी बन रहे हैं। और तुला राशि के जो लोग अब बिजनेस करते हैं, तो उन्हें किसी न किसी तरह से आज फायदा हो सकता है, बिजनेस में किसी और की गलती का फायदा जो है आज आपको मिल सकता है। पुराने दोस्तों से आज मुलाकात होने के भी आपके योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, दिन आपके लिए आज सामान्य रहेगा और बिजनेस से संबंधित किसी बड़े फैसले के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बदलाव भी आज जो है आज कर सकते हैं और वृश्चिक राशि के जो जातक बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी में भी आज जॉब का ऑफर आ सकता है, जिससे आपको खुशी भी होते हुए दिख रही है और किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको दोगुना धन का लाभ भी हो सकता है। लेकिन किसी के साथ पैसों में महत्वपूर्ण जो है एग्रीमेंट करके ही आपको पैसे लगाने हैं, इस बात की सावधानी रखनी है। लवमेंट के साथ में अच्छे रिश्ते जो है आज आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2023 यानी शनिवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, अच्छे परिणाम आज के दिन आपके लोग को मिलने वाले हैं और यह परिणाम जो है व्यवसाय से जुड़े भी हो सकते हैं। अगर आप जो है नई जमीन लेने की सोच रहे हो, तो शुभ और बहुत ही अच्छा यह समय है और जब भी आप जमीन लेने की सोचें, तो पहले उसमें थोड़ा सा शुभ मुहूर्त आपको जरूर देखना है, इससे आपको भविष्य में फायदा भी जरूर मिलेगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए पिछली कंपनी का अनुभव जो है वह आज आपके काम आते हुए दिख रहा है। अब उसका अच्छा परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा, जो आपने पिछली नौकरी करी है, पिछले कंपनियों में जो नौकरियां करी हैं, वह जो पिछला जो आपका जो अनुभव है वह आपके काम आता हुआ दिख रहा है और उसका परिणाम भी आपको जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। आपका जो बॉस है आपसे बहुत खुश रहने वाला है और कोर्ट कचहरी के मामले से जो है आज थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है, कोर्ट कचहरी के मामलों से आज आपको दूरी बना के रखनी है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, अपने स्वभाव को जो है आज थोड़ा सा पूरी तरह से आपको लचीला रखना है, वरना आपकी परेशानियां बढ़ते हुए दिख रही हैं। परिवार में चल रहा जो विवाद है और उस विवाद के कारण जो है आज आपके परिवार वाले आपको कुछ कड़वा भी कह सकते हैं, यानी कि कड़वा सुनने को आज आपको मिल सकता है। मन की बातों को अपने किसी करीबी से शेयर करें, ऐसा करने से जो है थोड़ा सा आप अपने आप को हल्का और अच्छा महसूस कर पाएंगे और भावनात्मक उतार चढ़ाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और ज्यादा भावुक होने से जो है आप परेशान भी आज के दिन रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े
बड़े और खास मामले जो है आज आपके सामने आ सकते हैं। अधिकारी जो हैं आपके कामकाज से खुश हो सकते हैं आज के दिन, और लोगों पर आपका प्रभाव भी अच्छा जमता हुआ आज के दिन दिख रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 10 जून 2023 का दिन कैसा रहेगा? तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम होने वाला है। सभी काम जो है आपके मन के मुताबिक पूरे होते हुए दिख रहे हैं, और ऑफिस में जो आपके सहकर्मी हैं वह आपके काम की तारीफ करेंगे, और आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर के आपका जो बॉस होगा वह उपहार के स्वरूप में आज कोई उपयोगी वस्तु जो है आपको गिफ्ट कर सकता है। आपकी मुलाकात जो है आज किसी पुराने मित्र से भी हो सकती है, और जो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद होते हुए दिख रही है वह मुलाकात। हो सके उधार के लेन देन से आज आपको बचना है, ना ही किसी से उधार लेना है ना किसी को देना है। आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। जो व्यापारी हैं कुंभ राशि के जातक, तो अचानक से धन लाभ की प्राप्ति आज होते हुए दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए 10 जून 2023 शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं आपका दिन सामान्य रहने वाला है आज का दिन, और आपकी थोड़ी सी परेशानियों आज के दिन थोड़ा सा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य से अनबन भी हो सकती है, अपने परिवार के किसी सदस्य से थोड़ा सा अनबन आपकी हो सकती है, और जिससे आपके कामों में आज रुकावटें भी आती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण जो है थोड़ा सा कार्यों में रुकावटें या कुछ विघ्न आ सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के लोगों को ऑफिस में जो है अपनी कड़ी मेहनत के कारण पदोन्नति भी मिल सकती है। आज जो है आपके कड़ी मेहनत के कारण जो है आपको का सम्मान भी किया जा सकता है, और आपको थोड़ा सा उच्च पद भी दिया जा सकता है। आप अपने जीवन साथी के फिजूल खर्च से आज आपको बचना होगा। मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के जो फिजूल खर्चे हैं उससे बचें। आप अपनी किसी मीठी यादों को याद करके आनंद की अनुभूति भी आज कर पाएंगे। कोई पुरानी ऐसी मीठी याद जो है उसे आज आप याद करेंगे, और उन यादों का आप आज आनंद ले सकते हैं। इस और जो मीन राशि के जातक जो व्यापारी हैं, तो व्यापार में उम्मीद से ज्यादा फायदा आज आपको हो सकता है। अच्छा फायदा मुनाफा आज आपको हो सकता है। तो आज का मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों का 10 जून 2023 शनिवार का राशिफल दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग की जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें, तो माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करें। माँ भगवती अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें, माँ भगवती की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो। जय माता दी, हर हर महादेव, शंभो।